बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। ओजर में पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता रक्तदान समिति ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। ग्राम ओजर में पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता रक्तदान समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह पटेल व डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि रक्तदान शिविर लगाना महान कार्य है, मानव सेवा का इससे बेहतर अन्य कोई तरीका नहीं। यदि हमारे रक्त से किसी को जीवन दान मिलता है तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात जीवन में नहीं हो सकती। वहीं ब्लड बैंक से पहुंचे ललित लाड ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति को साल में कम से कम 3 बार रक्तदान करना चाहिए। किसी पीड़ित परिवार को रक्तदान करने से व्यक्ति की जान बचाने के साथ साथ आप मानव सेवा का महान कार्य भी करते हैं। आज जो है ओझर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भारत माता रक्तदान समिति ओझर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 150 से 200 का इनका लक्ष्य है और अभी हम 70 के करीबन पहुंच गए हैं। बढ़ चढ़ के सभी महिला पुरुष भाग ले रहे हैं और इन्होंने जो है रक्तदान शिविर शहीदों की स्मृति में रखा है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है और एक छोटी सी जगह में इतना अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया इन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि अपना आंकड़ा पार कर लेंगे। बड़वानी जिला कांग्रेस के 19 नेताओं को सोमवार को किया गिरफ्तार, न्यायालय किया गया पेश, जहां सभी को 10-10 हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया। सभी आरोपितों को एक साल पहले पेट्रोल मूल्यवृद्धि और किसान आंदोलन को समर्थन करने के मामले में चक्का जाम करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक वर्ष बाद की गई पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने इसे सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए? ये 2021 का मामला है। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पे बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर शांति प्रिय धरना आंदोलन किया गया था, जिसको सरकार के दबाव में हम लोगों के ऊपर चक्का जाम की धाराएं लगा के जबरदस्ती झूठे केस लाद दिए। उसमें बहुत से लोग, उसमें मैं स्वयं भी था कि मैं तो उस स्पॉट पे था नहीं, मैं किसी कारणवश बाहर था। उसके बाद भी मेरे नाम से प्रकरण बना के मैं 1 साल बाद चालान पेश किया, जिसके आज हम जमानत के लिए एकत्रित हैं। तो पुलिस ऐसे दुरुपयोग कर रही है अधिकारों का? पुलिस है और पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव है।